पहले से ही सबसे बड़ा धर्म है, तो इसलिए मैं ये पानी की सेवा हरदम करता रहा हूँ। ये टंकी मैंने इसलिए बनाई है, इसके अंदर एक बड़ी टंकी लेके उसके ऊपर थर्माकोल और डबल ईट लगा। भाई साहब ये मैं पिछले 10 साल से प्याऊ लगाता आ रहा हूँ। पहले मैं अपने कैंपर रखता था 5-6, यहाँ से जितने भी यात्री आते हैं चाहे दरगाह के लिए आवे, चाहे नसीराबाद की बसें रहती हैं यहाँ पर, केकरी की रहती है, सरवार की रहती है, यहाँ भीड़ बहुत रहती है। गरीब तबके के लोग होते हैं बेचारे जिनको पानी की बड़ी प्यास लगती है। तो मेरा ये उद्देश्य था मेरी माँ बाप का कि पानी की सेवा करने से ही सबसे बड़ा धर्म है, तो इसलिए मैं ये पानी की सेवा हरदम करता रहा हूँ। ये टंकी मैंने इसलिए बनाई है, इसके अंदर एक बड़ी टंकी लेके उसके ऊपर थर्माकोल और डबल ईट लगा रखी है, तो पानी इसमें जब भी रहेगा ठंडे का ठंडा रहेगा। गर्मी में पानी ठंडा ही 24 घंटे ठंडा रहेगा और 24 घंटे ही पानी रहेगा। इसमें मैं हरदम तैयार रहता हूँ सेवा करने के लिए। इसमें कितना लीटर पानी आ जाता है? इसमें कम से कम 10-15 कैंपर की व्यवस्था है पानी अंदर रखने की। ये कल हमने इनका, हमारे जो विख्यात गायक आए थे नीमच के विशाल और कुलदीप जी, उनसे और समेत हमारे जो भी दुकानदार है वो सबों ने मिलके, जैसे हमारे पान वाले महेंद्र जी है, सुरेश जी है, जक्की है, बेकरी वाले, और हमारी कॉलोनी के सरमान जो बुजुर्ग है सलूजा साहब, हमारे दिलबाग जी वो थे, मनोज पारेचर थे, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े व्यक्ति थे जिन्होंने उद्घाटन करा और बहुत सबको प्यारा लगा। और सब मेरे को बधाइयों का सुबह से लेके बधाइयाँ आ रही कि आपने अच्छा काम किया। ये मेरी माता देवी बाई थी जिन्होंने ये कहा कि पानी ही एक ऐसी सेवा है, आप करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों को खाना खिलाओ मगर अगर पानी का एक घूंट पिला दिया आपका धर्म हो जाएगा, पानी ही जीवन है। कौन सी जगह लगाई है? ये अजंता सिनेमा के बाहर मार्टन बीच कहते हैं। देखिए आप, ये पब्लिक पानी पी रही है, ये देखो पब्लिक के लिए सेवा है। मेरा नाम हरू भाई है और दादा भाई कॉलोनी में रहता हूँ।